देखिए, सबसे पहले मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने दिलावटी बॉर्डर से, हमने दिलावटी बॉर्डर से एंट्री करी और सीधा अपने कार्यालय से पैदल मार्च निकाला, और वो पैदल मार्च मेन जो हमारा कामा बाज़ार है उसमें गए। बाज़ार के जो मुख्य जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पूरी एक टीम है उनकी व्यापार मंडल की, उन्होंने स्वागत सम्मान करा और पूर्ण समर्थन दिया कि हम एक ऐसे नेता को चुनेंगे अब की बार जो इस क्षेत्र को अच्छे से विकास कर सके इस क्षेत्र का। उसके बाद हम सीधा बड़े मोहल्ले होते हुए और अंबेडकर सर्किल बाबा साहब की मूर्ति पे हम गए, माल्यार्पण करा और आशीर्वाद लिया कि हम जो बहुजन समाज पार्टी है उसके लिए कार्य करेंगे। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैंने धन्यवाद करा। आप DTV देख रहे हो और मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे कामा से BSP के जो प्रत्याशी हैं शकील खान जी। एक बार हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए हाय हेलो बोल दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले DTV के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। और साथ ही अपना परिचय भी एक बार अच्छे से दे दीजिए व्यूवर्स के लिए। परिचय के लिए देखिए, DTV के जितने व्यूअर्स हैं सब जानते हैं मेरा नाम शकील खान है, और पिछले 4 साल से मैं कामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। लेकिन वहाँ मान सम्मान ना मिलने और कार्यकर्ताओं में एक फूट पड़ने की वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ दी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है उसको मिलने से पहले ये पार्टी छोड़ दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ एक भेदभाव होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मुझे जैसा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हिंदू को टिकट मिलेगा, मुस्लिम को टिकट नहीं मिलेगा, आप मेहनत मत करो, आपका मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। मैंने उसके बावजूद 4 साल मेहनत करी, और जब आकर एंड टाइम पर आकर देखा तो जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो खुद अपनी टिकटों में लगे हुए हैं, तो वो हमको टिकट कहाँ से दिलाएंगे। और मैं एक मुस्लिम कार्यकर्ता हूँ और अल्पसंख्यक, जितना मैं एक पदाधिकारी भी रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में जिला महामंत्री रहा हूँ मैं, उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने मेरे को इतना बुरा भला कहा जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि ये एक कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी से दूर चलता है हमेशा, और अगर आप यहाँ की जनता के साथ जाकर पूछोगे जनता से कि भारतीय जनता पार्टी को कामा विधानसभा के अंदर अगर कोई जगाने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ शकील खान है। एक ऐसा माहौल बना क्षेत्र के अंदर जी कि मुझे लगा कि पार्टी अपने एक आशीर्वाद नहीं दे रही है, तो मैंने इसलिए बहुजन समाज पार्टी को चुना, जो ऐसी पार्टी को चुना जो सबके हित में सोचती है, चाहे वो गरीब तबका हो या अमीर हो या 3600 कौम के लिए बराबर चलती है। और खासकर मैं उस तबके को कहना चाहूँगा जिसकी यहाँ पे बिल्कुल पूछ नहीं है, ऐसे समाज की ये पार्टी है। वो समाज आज यहाँ बिल्कुल घुट रहा है, दब रहा है, कुचला जा रहा है, तो क्यों ना मैंने सोचा इस पार्टी के साथ हमारे हर तबके को, 3600 कौम को हम साथ में लेकर चलेंगे, और इस क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएंगे और इस पार्टी के झंडे को यहाँ रिजर्व करेंगे, इस टिकट को रिजर्व करेंगे। मैं आपसे इस बात की देखिए, अब से पहले जब अगर कभी देखते थे तो यहाँ आपको फूल नजर आते थे, उसकी पूरी कहानी जो है, पूरी डिटेल जो है वो नेताजी ने आपको बता दी है। अब यहाँ आपको हाथी नजर आ रहा है। सर, हाथी में जाने से पहले कितना वक्त आपने हाथी के लिए दिया, और फिर पार्टी ने आपको यहाँ से उम्मीदवार जो बनाया है, तो जनता से इसमें हाथी के साथ कितना प्यार मिल रहा है, और कमल के साथ जब आप जाते थे तो तब क्या माहौल यहाँ का होता था? जी। देखिए, सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी, मैं इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार करता हूँ कि मुझे उन्होंने
इस कामा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित करा, तो उन्होंने मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी देखी होगी ना, जब ही तो प्रत्याशी घोषित करा जी। मैंने जब उस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे अंदर एक कार्यकर्ता जो छुपा कार्यकर्ता था उसको देखा कि इस शकील खान नाम से एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चल रहा है जो इस क्षेत्र के लिए एक चेहरा, ऐसा चेहरा है, एक ऐसा भविष्य का चेहरा है जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए जी सके। सर, जब आपने अभी बताया कि पार्टी, जब मैं बीजेपी में था, कमल के साथ था, तो उसके बाद यहाँ के जो लोग थे वो मुझे ताने देते तो थे, लेकिन पार्टी में 4 साल आपने गुजारे हैं, पहले पता नहीं कब थे, लेकिन जनता के बीच आप गए, तो तब क्या कुछ आपको समझ में आया था पार्टी से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग हुआ करती थी कोई भी, तो यहाँ के जितने भी जो मंडल अध्यक्ष थे, चाहे यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी मेरे इस कार्यालय पे, जो भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यालय था, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि इस कामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का इतना 4 साल चलने वाला कार्यालय नहीं खुला है और ना खुलेगा मेरे को लगता है देखने में। चलिए, आज जो जनता ने हाथी के साथ आपको प्यार दिया, तो जनता का किस तरह आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आभार के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व बहन, आदरणीय बहन मायावती जी को, कुमारी मायावती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। उसके बाद हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुरेश आर्या जी, उसके बाद हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा जी, और हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है कि हमें इस सीट को और यहाँ की जनता को जो बदलाव चाहती है, जीत दिलानी है। ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई पर्टिकुलर पार्टी या विकास कराएगी, विकास तो कोई नेता ही करवाएगा जिसे जनता चुनेगी, प्यार करेगी। आज जैसे प्रत्याशी के रूप में मैंने दिलावटी बॉर्डर से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्वागत सम्मान करा, कोसी चौराहे से होते हुए हम बाजार में, जो हमारा कामा का मेन बाजार है उसमें होते हुए अंबेडकर बाबा, जो हमारे बाबा साहब हैं उनकी मूर्ति पर, अंबेडकर जो चौराहे सर्किल पे है उसमें हमने मालार्पण करी, उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। अब क्षेत्र में, कल से हम क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी के बटन को दबाने के लिए जागरूक करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और यहाँ बहुजन समाज पार्टी की रिजर्व सीट बनाएंगे। शकील जी, एक पार्टी जो है BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी पे एक आरोप है कि वो पैसे लेके टिकट देती है, इसमें कितना सच है? देखिए, ये गलत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको जो ये कहते हैं कि पैसे लेकर टिकट देती, नहीं। सबसे पहले जैसे विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी के चयन की जब बात आती है तो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर, सबसे पहले आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ के जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के 4 प्रभारी हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो विधानसभा लेवल पर हैं, उनके उनके पास मेरे प्रत्याशी बनाए जाने से पहले मेरा नाम था और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब होता है ना, एक आदमी एक पार्टी का है तो उसी पार्टी के साथ रहे। जब ऐसा मौका आया तो हमने खुद जाकर प्रदेश के जो कार्यालय है उसमें जाकर हमने जब बात रखी तो उन्होंने हमारा वेलकम करा और उन्होंने प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दिया और मुझसे एक वादा करवाया कि आप हो रहे कामा के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, लोगों के साथ हो रहा अत्याचार, उसको खत्म करने के लिए आपको हम भेज रहे हैं, आपको जीत के आना है और विधानसभा में उस कामा की आवाज उठानी है। वहीं क्या क्या मुद्दे अब की बार आपके चुनाव लड़ने के होंगे, किन किन मुद्दों पर आपके बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कामा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है राजस्थान के अंदर, 200 विधानसभाओं में यहाँ मुद्दे इतने हैं कि पूरे करते करते शायद मेरी खुद की उम्र निकल जाए, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है,
जो यहाँ की स्थानीय विधायक थी, शिक्षा राज्य मंत्री थी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करा, सिर्फ और सिर्फ लूटा है लोगों को, अपने पैसे ऐंठने की इतनी हद पार कर चुके थे कि वो ये भूल गए कि हमारी कौम का भी बुरा हाल हो सकता है इसमें, किसी के बच्चे को हम नाजायज़ क्यों सता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काम उन्होंने गलत करे हैं जिनकी सज़ा जनता उन्हें 2023 के इन चुनावों के अंदर देगी और पूर्ण रूप से यहाँ से भगाएगी। ये दोबारा कभी वापस नहीं लौट के आएंगे, इस प्रकार के लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। शकील जी, यहाँ एक देखा जाए, इतिहास उठा के देखे तो पिछली बार कई बार कई वर्षों से जो है यहाँ या तो कमल चला है या पंजा चला है, तो लोग कैसे हाथी को पसंद करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच ये बात पहुँच पाएगी कि अब की बार हाथी को चुना जाए। देखिए, सबसे पहले जो मैंने 4 साल मेहनत करी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए करी थी, साथ में एक चेहरे की भी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी बात होती है एक चेहरे की वैल्यू। मैंने 4 साल में जितने भी प्रोग्राम करे हैं, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने उनको एक ही बात बोली है कि आप पार्टी को ना चुन के सबसे पहले एक नेता चुने। नेता चुनने के बाद आज जैसे मैंने इस बहुजन समाज पार्टी को चुन लिया है, आज जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और बात करी जाए कांग्रेस की, तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस का कार्यकाल आप देख चुके हैं, आपकी जनता देख चुकी है, व्यूअर्स देख चुके हैं कि यहाँ के लोग कितना परेशान हैं। वो चाहते हैं बदलाव, कि यहाँ अब कोई नया चेहरा आए और 5 साल कुछ करके दिखाए। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग चुनेंगे और रात दिन एक कर देंगे हम, जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर एक बदलाव लेकर आएंगे और हाथी को लोग पसंद करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी जनता के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप एक बदलाव लेके आए, बड़ा बदलाव लेके आए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पता है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत सकता है, उसके बावजूद भी वो एक गैर मुस्लिम या अभी हिंदू हिंदू भाई को हमारे को टिकट देती है जबकि वो हारता है। इसका फायदा सीधा सीधा जाता है स्थानीय विधायक जो 5 साल रह चुके हैं जाहिदा खान जी, उनको जाता है, और हमारा पूरा मुसलमान तबका उनको, जो हमारे भाई हैं, सब वोट उनको देते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार आप लोग मिलकर एक ऐसे नेता को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, एक ऐसी पार्टी को चुने जो आपकी आवाज़ को विधानसभा तक लेकर जाए। इसका फैसला आने वाले 1 महीने के अंदर, जो 25 नवंबर को आपकी विधानसभा में वोटिंग होगी, उस वोटिंग से वोट देकर, हाथी के वोट को देकर एक मैसेज दें कि हमें भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है, ऐसे युवा साथी की जरूरत है जो हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे सब काम कर सके, हमारे रोड भी बनाए, हमारे हॉस्पिटल भी बनाए, हमारे हमको शिक्षा भी दे, युवाओं को रोजगार भी दे, ये सारे काम करे, ऐसे नेता की जरूरत है आपको। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ, शकील खान के साथ चलें और बहुजन समाज पार्टी के हाथी का बटन दबाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बता दें, शकील खान जी हमारे साथ रहे, उन्होंने बताया कि जो BSP पार्टी है उसको ज्वाइन करने का रीज़न भी और BJP पार्टी से दूर जाने का रीज़न। देखिए, अभी जो टिकट है वो भी BJP पार्टी का यहाँ वितरण नहीं किया गया है, लेकिन शकील खान जो है वो फिर भी BSP में आ चुके हैं। उसके पीछे ये वजह है कि कहीं ना कहीं जो मॉमडन कैंडिडेट यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको BJP पार्टी यहाँ से टिकट नहीं देगी, ऐसा संदेश उनके पास आया। तो उन्होंने पार्टी को कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था और चुनाव के लिए वो अब हाथी के साथ हैं। सीधा रहते हैं, उनका कहना है कि जनता जो है कि वो समझ चुकी है BJP पार्टी की भी नीतियों को भी और कांग्रेस का जिस तरह का यहाँ शासन रहा है उनको भी।
सारी चीज़ों को समझते हुए कहीं ना कहीं अबकी बार जो जनता है वो BSP पे वोट करेगी। और हम आपको बता दें, आज उन्होंने जब उनको टिकट मिला, टिकट के बाद पहली बार अपनी विधानसभा में आए तो सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। और पूरे बाजार में, कामा बाजार जो है उसमें उन्होंने रैली निकाली। रैली के बाद उन्होंने अम्बेडकर सर्किल पर जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माल्यार्पण की और समापन किया। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।